आज हम इस वीडियो के माध्यम से हरियाणा के अंदर हरियाणा के टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं, जिनमें पहले स्थान पर अगर बात करें तो करनाल रिंग रोड, दूसरे स्थान पर बात करें रिलायंस मेट सिटी, तीसरे नंबर पर हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, चौथे नंबर पर हिसार एयरपोर्ट, पांचवें नंबर पर जंगल सफारी और छठे नंबर पर बात करें इंटरनेशनल हैबिटेट सेंटर, सातवें नंबर पर रैपिड मेट्रो गुरुग्राम, आठवें नंबर पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, नौवें नंबर पर दिल्ली सोनीपत रैपिड रेल सिस्टम और दसवें नंबर पर ग्लोबल सिटी हरियाणा है। नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हरियाणा के टॉप 10 प्रोजेक्ट्स को हम जानने का काम करने वाले हैं, जो 2025 तक हरियाणा की जनता को समर्पित कर दिए जाएंगे। अगर इन प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इन प्रोजेक्ट्स में पहले स्थान पर करनाल रिंग रोड आता है। करनाल रिंग रोड हरियाणा की सीएम सिटी कहे जाने वाले करनाल में बना करके शुरू किया जाएगा और ये करनाल में 35 किलोमीटर लंबा रिंग रोड होगा। अगर इसकी लागत की बात करें तो यहाँ पर हजारों करोड़ की लागत से इस रिंग रोड को तैयार किया जाएगा। करनाल के अंदर लगने वाले जाम और अलग अलग रोडों को जोड़ने में करनाल रिंग रोड अहम भूमिका निभाने वाला है और हरियाणा टॉप मेगा प्रोजेक्ट्स में पहले नंबर पर इस प्रोजेक्ट को शामिल किया गया है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद करनाल और आसपास के लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार और नए सेक्टर और डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। इसी सीरीज में दूसरे स्थान पर रिलायंस मेट सिटी का नाम आता है। देश के बड़े जाने माने उद्योगपति अंबानी फैमिली से ताल्लुक रखने वाले मुकेश अंबानी के द्वारा रिलायंस मेट सिटी, जो कि हरियाणा के झज्जर और फर्रुखनगर के एरिया में बनाई जा रही है। वैसे सीमावर्ती इलाके से कनेक्ट होने वाली रिलायंस मेट सिटी को लगभग 8000 एकड़ जमीन में डेवलप किया जाएगा, जहां पर हर प्रकार की बुनियादी सुविधाएं मेट सिटी के अंदर ही देने का वायदा किया गया है। रिलायंस मेट सिटी की बात करें तो यहां पर इंडस्ट्रीज से अलग बात करें रेजिडेंशियल सेक्टर, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, पार्क्स, स्टेडियम, हर प्रकार की सुविधाएं देने का काम किया जाएगा। और ये प्रोजेक्ट दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ होने के कारण भी अपनी खास अहमियत को लिए हुए हैं। तीसरे स्थान पर बात करते हैं हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, यानी कि HORC। हरियाणा रेल कॉरिडोर की बात करें तो यह दिल्ली के आधे हिस्से में अदर चंद्रमा के रूप में काम करेगा, यानी कि चांद के रूप में दिल्ली के चारों तरफ इस नए रेल कॉरिडोर को बनाए जाने का काम किया जा रहा है। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को दो फेज में कंप्लीट किया जाएगा, जिनमें पहला फेज गुरुग्राम फरीदाबाद के से फर्रुखनगर तक के इलाके में और दूसरा फेज फर्रुखनगर झज्जर बहादुरगढ़ खरखोदा और सोनीपत के इलाके में तैयार किया जाएगा। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर से माल ढुलाई इंडस्ट्रीज एरिया को आपस में कनेक्ट करने से काफ़ी ज़्यादा फायदा हरियाणा की इंडस्ट्रीज को भी मिलने वाला है। यहाँ से यात्री ट्रेनें और सामान को ढुलाई के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली ट्रेनों को भी कनेक्ट करने का काम किया जाएगा। चौथे स्थान पर आता है हिसार एयरपोर्ट। हिसार एयरपोर्ट का जिक्र आपने कई बार सुना होगा। कुछ लोगों की प्रतिक्रिया आती है कि हिसार एयरपोर्ट पर कुछ भी नहीं है, लेकिन हिसार एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पर काफ़ी जल्द कन्वर्ट करने का काम हरियाणा सरकार द्वारा किया जा रहा है और ये फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट की सीरीज में भी शामिल किया गया है। हरियाणा के टॉप मेगा प्रोजेक्ट में हिसार एयरपोर्ट को, यानी कि महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट हिसार को शामिल करने का काम किया गया है। हिसार एयरपोर्ट पर पहले छोटी उड़ाने या कि 2 से 3 यात्रियों के लिए छोटे जहाज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया गया। जहाज भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रियों को लेकर जाते थे, लेकिन इस एयरपोर्ट पर कुछ समय बाद काम रुका और यहाँ से छोटी फ्लाइटें काफ़ी जल्द शुरू होने वाली है और बड़े एरिया में यहाँ पर हैंगर जैसी सुविधा को बढ़ाकर यात्रियों के लिए पार्किंग,
पार्किंग से लेकर टिकट स्टेशन यात्रियों की असुविधा के लिए भी अलग अलग पॉट्स को बनाने का काम किया गया है। नंबर 5 पॉइंट, जंगल सफारी। जंगल सफारी को हरियाणा एक बड़े स्तर पर डेवलप करना चाहता है, जिसे हरियाणा के गुरुग्राम और नुह इलाके में डेवलप करने पर सरकार ने काफी तेजी से काम किया है। काफी बार यहाँ पर सर्वे हो चुके हैं और लगभग जंगल सफारी के लिए 10,000 एकड़ अरावली पर्वतमाला की गुरुग्राम और नुह की जमीन पर डेवलप किया जाएगा, जिसमें से 6,000 एकड़ जमीन को गुरुग्राम और 4,000 एकड़ जमीन को नुह जिले की सीमाओं से लेकर के इस जंगल सफारी का निर्माण कार्य किया जाएगा। जंगल सफारी में अलग अलग प्रकार के पक्षियों के लिए और पशुओं के लिए स्थान बनाने का काम किया गया है। यहाँ पर जंगली बिल्लियों के लिए, खरगोश और हिरणों के लिए भी अलग अलग बाड़े बनाने का काम किया जाएगा और खासकर शाकाहारी जानवरों के लिए अलग से स्थान को चिन्हित करके बनाने का काम किया जाएगा। ये जंगल सफारी अगर जल्दी बन जाती है तो एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी के रूप में हरियाणा एरिया को जाना जाएगा। नंबर 6 पॉइंट, इंटरनेशनल हैबिटेट सेंटर। हरियाणा सरकार के औद्योगिक संरचना विभाग द्वारा हरियाणा हैबिटेट सेंटर का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए 70 करोड़ की लागत तैयार की गई है और हरियाणा हैबिटेट सेंटर के लिए बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के जाल को बनाने का भी काम किया जा रहा है। हरियाणा हैबिटेट सेंटर के अंदर हर प्रकार की सुविधाएं देने का काम किया जाएगा, जहां पर बुनकर, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई के लिए भी खास जगह रखी जाएगी। यहां पर इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के जैसे भी छोटे छोटे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज समय टू समय पर किए जाएंगे। यहां पर बात करें स्विमिंग पूल, ग्रीन बेल्ट्स, पार्क्स, वॉशरूम, लिफ्ट इत्यादि की सुविधा समेत गेस्ट रूम बनाने का भी काम किया जाएगा। नंबर 7, रैपिड मेट्रो गुरुग्राम। गुरुग्राम के अंदर बात करें तो 2013 के अंदर 5.1 किलोमीटर की रैपिड रेल को सिकंदरपुर के से लेकर के गुरुग्राम के दूसरे इलाके तक स्टार्ट किया गया था। इसे बढ़ा करके 2017 में 7 किलोमीटर एक्सटेंड करके इस लाइन को बढ़ा दिया गया। गुरुग्राम के अंदर चलने वाली रैपिड लाइन एक प्राइवेट तौर पर काम करती है और दिल्ली मेट्रो से ये एक तरीके से भिन्न है। मेट्रो की तर्ज पर काम करने वाली रैपिड लाइन आने वाले समय में इसे और भी ज्यादा बढ़ा करके 28.8 किलोमीटर तक कर दिया जाएगा। उसके बाद इसके विस्तार को और भी तेजी से मंजूरी मिलेगी और रैपिड मेट्रो एक इंडिपेंडेंट गुरुग्राम का प्रोजेक्ट है। नंबर 8 पॉइंट, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। आपने कई बार सुना होगा 1350 किलोमीटर लंबा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दिल्ली के महारानी बाग से शुरू होकर के और नवी मुंबई तक इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य किया जाएगा। दिल्ली मुंबई हरियाणा के 4 राज्यों को क्रॉस करता हुआ जाता है, जिनमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात को क्रॉस करता हुआ मुंबई तक पहुंचता है। यह एक्सप्रेसवे कंप्लीट रूप से तैयार होने के बाद काफी बड़ी संख्या में दिल्ली से मुंबई के मध्य में यात्रा करने वाले व्यक्तियों की समय अवधि काफी कम हो जाएगी और इस मेगा प्रोजेक्ट के बनने के बाद उत्तर भारत से दक्षिण भारत की कनेक्टिविटी को भी काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का बड़ा हिस्सा हरियाणा के इलाकों से भी क्रॉस करता हुआ जाता है, जो गुरुग्राम, फरीदाबाद, नुह जैसे जिलों को काफी बड़ी संख्या में फायदा देने का काम करता है। इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद हरियाणा दिल्ली और अन्य राज्यों के मध्य की कड़ी के रूप में काम करेगा और एक बड़े इंडस्ट्रियल हब को डेवलप करने में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बड़ी भूमिका निभाने का भी काम करने वाला है। नंबर 9 पॉइंट, दिल्ली सोनीपत RRTS प्रोजेक्ट। दिल्ली से लेकर के पानीपत और करनाल तक एक्सटेंड होने वाली रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत जो रैपिड रेल का निर्माण कार्य पहले 3 होने थे, उनमें दिल्ली से मेरठ का निर्माण कार्य दुहाई स्टेशन तक हो चुका है। दिल्ली पानीपत और दिल्ली अलवर जो लाइन है, इनका निर्माण कार्य काफी तेजी से किया जाएगा। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 21,627 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली से पानीपत रैपिड रेल का निर्माण कार्य किया जाएगा, जो GT रोड यानी कि NH संख्या 1 के ऊपर से क्रॉस करता हुआ जाएगा,
जिसके लिए भूमि अधिग्रहण की खास आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दिल्ली सोनीपत पानीपत आरआरटीएस प्रोजेक्ट पर 103 किलोमीटर लंबे रूट का निर्माण कार्य किया जाएगा और यहां पर 16 स्टेशन को बनाने का भी काम किया जाएगा। अगर यहां पर रैपिड रेल की मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो 160 किलोमीटर हावर और एवरेज स्पीड की अगर बात करें तो 120 किलोमीटर हावर यहां पर एवरेज स्पीड रैपिड रेल की रहने वाली है। इस प्रोजेक्ट पर 21,627 करोड़ रुपए खर्च करके राज्य हरियाणा सरकार, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से इस रेल प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य किया जाएगा। नंबर 10, ग्लोबल सिटी। हरियाणा के गुरुग्राम में बनने वाली ग्लोबल सिटी पर 900 करोड़ रुपए का खर्च हरियाणा सरकार द्वारा किया जाएगा। यहां पर 1003 एकड़ भूमि में ग्लोबल सिटी का निर्माण कार्य गुरुग्राम के सेक्टरों में किया जाएगा। देश की जानी मानी 500 कंपनियों में से 400 कंपनियों के ऑफिस वर्तमान में ग्लोबल सिटी गुरुग्राम के आसपास में है, तो इस सिटी को इंटरनेशनल सिटी के रूप में भी काफी जल्द दर्जा मिलने वाला है और यहां पर बड़ी बड़ी सुविधाएं भी देखने को मिलेंगी। दुबई जैसी आइकनिक बिल्डिंग की तर्ज पर यहां पर भी बिल्डिंग्स के इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कार्य किया जाएगा और हरियाणा सरकार के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से ग्लोबल सिटी के प्रोजेक्ट को शामिल करने का काम किया गया है। 1003 एकड़ भूमि में डेवलप होने वाली ग्लोबल सिटी देश और विदेशी शिखर पर ऊंचा नाम पहुंचाने वाली है। हरियाणा के 10 टॉप 10 प्रोजेक्ट की सीरीज में यही 10 प्रोजेक्ट शामिल थे जिनके बारे में हमने चर्चा की। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके हमें बताने का काम जरूर करें। जल्द ही हम एक नए तरीके से वेब सीरीज को बनाने का भी काम करेंगे और आपके समक्ष पहुंचाने का भी काम करेंगे। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।